एक तरफ जहां रफा के भीतर इजरायली सेना पर हमास दनादन गोले बरसा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तरी इजरायल धीरे धीरे हिजबुल्ला के साथ जंग की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि लेबनान बॉर्डर से सटी इजरायली चौकियों पर हिजबुल्ला एक के बाद एक बड़े बड़े हमले कर रहा है, और इन हमलों के बीच इजरायली फौज उत्तरी बॉर्डर पर बुरी तरह से उलझ चुकी है। और इन हमलों के बीच एक बार फिर से हिजबुल्ला ने आईडीएफ को दहला कर रख दिया है। 21 मई 2024 को हिजबुल्ला ने लेबनान बॉर्डर से लगी इजरायली सेना की कई सैन्य चौकियों पर बमबारी की है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके लड़ाकों ने अल मजर पोजीशन पर गोले बारूद से हमला किया। इसके अलावा कैरेंटिना हिल में तो इजरायली सेना के जमावड़े पर बड़ा हमला किया गया है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने कब्जे वाले शिबा फार्म्स में रुविसत अल करान पर गाइडेड मिसाइलें भी दागी हैं। बड़ी बात यह है कि इस हमले में पहले हिजबुल्ला ने अल रहब साइट पर रॉकेट और गोला बारूद दागा था। हिजबुल्ला के इन हमलों को लेकर लेबनानी मीडिया अल मयादीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2:30 पर हिजबुल्ला ने अल राहेब सैन्य अड्डे पर रॉकेट और गोला बारूद दागना शुरू कर दिया था। इससे पहले दोपहर 1 बजे रुचत अल करान में आईडीएफ पर गाइडेड मिसाइलें दागी गई, और इसके बाद दोपहर करीब 3:05 पर अल राहेब सैन्य अड्डे के पास इजरायली सेना के जमावड़े पर फिर से हमला किया गया। और इस हमले के बाद शाम करीब 4 बजे हिजबुल्ला ने मलिकिया सैन्य अड्डे पर भी हमला किया है, और इसके 45 मिनट बाद यानी 4:50 पर अलमारेज सैन्य अड्डे पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। और शाम 5 बजे जिब्दीन बैरक पर हमला होता है, और उसके ठीक 20 मिनट बाद कैरेंटिना हिल पर हिजबुल्ला के गोले बारूद बरसने लगते हैं। वहीं हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने अल राहेब सैन्य अड्डे पर रॉकेट और गोला बारूद दागा है। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने ये ऑपरेशन आधी रात करीब 2:30 पर किया है। हिजबुल्ला ने दावा किया कि पहले उसने इजरायली सेना के जवानों पर करीब से निगरानी रखी, और जैसे ही उनकी आवाजाही शुरू हुई वैसे ही उनके ऊपर रॉकेट हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने रमीम और जिब्दीन बैरक और अल राहेब सैन्य अड्डे पर हमले का वीडियो जारी किया है। हिजबुल्ला के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक रॉकेट बॉर्डर पार करते हुए पहाड़ियों पर बनी एक बिल्डिंग पर जा गिरता है, और फिर उसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस सब के बीच इसराइल के मिलिट्री विशेषज्ञ एलन बेन डेविड का कहना है कि हिजबुल्ला अब अपने ड्रोन्स में एक रेडार सिग्नेचर इस्तेमाल कर रहा है जो इसराइल के स्वान ड्रोन जैसा है, जिसकी वजह से इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है।